गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का लेसन 7, जन आंदोलनों का उदय। देखो, जन आंदोलन क्या होते हैं? जनता के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन जन आंदोलन कहलाते हैं। यानी कि जनता जो है अपनी समस्याओं को लेकर जो आंदोलन चलाती है वो होते हैं जन आंदोलन। इसमें है सबसे पहले चिपको आंदोलन। देखो, चिपको आंदोलन जो हुआ था ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। इस नाम को ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था चिपको आंदोलन। देखो, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? उत्तराखंड में 1973 में जंगलों की कटाई के विरुद्ध में शुरू हुआ था। यानी कि जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था 1973 में जंगलों की कटाई के विरोध में। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। यानी कि कहते हैं कि गांव के जो लोग थे उन्होंने वन विभाग से कहा कि भाई हमें खेती बाड़ी के औजार बनाने हैं तो हमें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। यानी अंगू के पेड़ ये उत्तराखंड में होते हैं। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। वन विभाग ने क्या कहा, भाई मना कर दिया उनको। लेकिन विभाग ने खेल सामग्री बनाने के लिए कंपनी को अनुमति दे दी। अब गांव वालों को तो मना कर दिया वन विभाग ने, लेकिन बाहर से कंपनी ने खेल का सामान बनाने की अनुमति मांगी तो उसको अनुमति दे दी। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और गांव वालों ने इसका विरोध कर दिया। अब वही देखो कि जब गांव वालों ने कहा वन विभाग से तो उनको तो मना कर दिया और बाहर से कंपनी को अनुमति दे दी तो इससे लोगों को गुस्सा तो आएगा ही, तो इससे लोगों में रोष पैदा हुआ और लोगों ने विरोध कर दिया इस बात का। विरोध का एक अनूठा तरीका अपनाया कि जब भी कोई व्यक्ति पेड़ काटने आता गांव की महिलाएं पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लेती। तो उन्होंने जो लोगों ने जो विरोध किया, विरोध एक अलग से किया, मतलब अजीब प्रकार से अलग तरीका अपनाया कि जब भी कोई व्यक्ति पेड़ काटने आता ना तो गाँव की महिलाएँ क्या करती, पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लेती थी, मतलब उनसे चिपक के खड़ी हो जाती, तो इससे वो पेड़ नहीं काट सकते थे। ठीक है, इस तरह वनों को काटने से बचा लिया गया। अब कहता है कि भाई वहाँ के लोगों की मांगें क्या थी। देखो, वहाँ के लोगों का कहना था कि भाई जंगल की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्ति को न दिया जाए, क्योंकि बाहर के जो व्यक्ति होते हैं वो तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं और वहाँ के जो प्राकृतिक साधन है जैसे जल, जमीन, जंगल, इन पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं का नियंत्रण होना चाहिए, जंगलों की अंधाधुंध कटाई ना हो और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बगैर सरकार गांव का विकास करे। यानी कि सरकार गांव का विकास ऐसे करे जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद नेक्स्ट है दल आधारित आंदोलन। देखो, एक हमने पढ़ा जन आंदोलन और ये है दल आधारित आंदोलन। देखो, दल आधारित आंदोलन से तात्पर्य है कि जब कोई आंदोलन ऐसा बन जाए जिसमें राजनीतिक पार्टी शामिल हो जाए या उसका संचालन राजनीतिक रूप से होने लगे। देखो, जन आंदोलन तो हमने पढ़ा था कि जो जनता द्वारा चलाए जाते हैं जिसमें जनता शामिल होती है, और दल आधारित जो होते ना इसमें जनता के साथ साथ कोई राजनीतिक पार्टी भी शामिल हो जाती है, वो होते हैं दल आधारित आंदोलन। एग्जाम्पल देखो, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, यहाँ किसानों तथा खेती हर मजदूरों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपना विरोध किया। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, किसानों और खेती हर मजदूरों को अपनी साइड कर लिया और इन्होंने मिलकर के तीनों ने विरोध किया था। उसके बाद है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। देखो क्या होते हैं, 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हुआ। क्या हुआ भाई, 70 और 80 के दशक में समाज के कुछ तबके थे, कुछ समूह थे जिनका जो ये राजनीतिक पार्टी वगैरह थी इनके आचार व्यवहार से जो कार्य कर रही थी, ठीक है, इनसे नफरत हो गई, क्योंकि भाई ये कुछ अच्छा काम नहीं कर रही थी लोगों के लिए, क्योंकि जनता पार्टी ने कुछ खास काम नहीं किया, लोगों का विश्वास उठ गया। देखो, 1975 में आपातकाल लगाया गया था जिसमें लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए थे, तो लोगों को विश्वास था कि भी नई सरकार बनेगी वो लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करेगी। लेकिन हुआ क्या, जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, तो जनता पार्टी ने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो इससे क्या हुआ, लोगों का विश्वास इससे उठ गया। सरकार की आर्थिक नीतियाँ भी जनता को पसंद नहीं आई, यानी कि सरकार ने जो आर्थिक नीतियाँ बनाई लोगों के लिए वो भी उनको पसंद नहीं आई। उससे क्या हुआ भाई, गरीबी थी, असमानता थी, ये ऐसी कैसे बनी थी, दूर नहीं हो सकी। आर्थिक समृद्धि हुई पर इसका लाभ समाज के हर तबके को नहीं हुआ। कहते हैं कि थोड़ी बहुत आर्थिक समृद्धि हुई पर
इसका लाभ क्या हुआ? समाज के हर तबके को नहीं हुआ, मतलब सभी लोगों को इसका लाभ नहीं हुआ। कुछ ऐसे समूह थे जिनका विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। कहते हैं कि कुछ ऐसे समूह थे जिनका विश्वास क्या हुआ, ये जो राजनीति वगैरह पार्टी वगैरह इनसे उठ गया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, तो इनका विश्वास उठ गया। तो देखो ऐसे समूह दलगत राजनीति से दूर हुए और जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया। अब जो ये समूह थे ये क्या, इन्होंने क्या किया इस राजनीति से, तो ये दूर हो गए और जनता को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, यानी कि जनता को युद्ध के लिए तैयार करना या अपनी साइड करना कह सकते हो, ठीक है, शुरू कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, गांव में जाकर गरीबों की सहायता की। इन कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन्हें स्वयंसेवी संगठन कहा गया। यानी कि देखो इन लोगों ने क्या किया भाई, इन्होंने देखा कि भाई राजनीतिक पार्टियाँ ये लोगों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं करी, तो ये इनसे ये अलग हो गए राजनीतिक पार्टियों से, और इन्होंने लोगों की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब ये जो कार्य कर रहे थे ये इनके ये मतलब इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि ये सभी लोगों की भलाई करना चाहते थे, गरीब भी दूर करना चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए इन्हें स्वयंसेवी संगठन कहा गया था। इन संगठनों ने खुद को दलगत राजनीति से दूर रखा, इन्होंने ना तो चुनाव लड़ा और ना ही किसी राजनीतिक दल को समर्थन किया। अब ये दल थे, इन्होंने क्या किया, ना तो चुनाव लड़ा और ना ही किसी राजनीतिक दल को समर्थन दिया। ऐसे संगठन राजनीति में विश्वास करते थे, उनमें भागीदारी भी करना चाहते थे, पर इन्होंने राजनीतिक दलों को नहीं चुना, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि भाई राजनीति है ये बहुत गलत है भाई, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा काम तो होता नहीं, करते नहीं, इसलिए इन आंदोलनों को राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन कहा जाता है। इन संगठनों का मानना था कि स्थानीय मामलों पर स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा ज़्यादा कारगर होगी। देखो इन संगठनों का क्या कहना था कि जो स्थानीय मामले हैं, जो लोगों के लिए जो फैसले लिए जाते हैं, उन पर स्थानीय नागरिकों की, यानी कि वहाँ पर जो गांव के लोग हैं उन नागरिकों की राय लेनी ज़रूरी है, मतलब उनकी समस्याएँ हैं वो जानना ज़रूरी है, तभी तो वो दूर होंगी। तो ऐसे संगठन जो है आप लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके बाद एक आता है इसमें दलित पैंथर्स। देखो एक आंदोलन है, दलित पैंथर्स क्या होता है, ये प्रारंभ हुआ था 1972 में महाराष्ट्र में, और इसका नेतृत्व किया था दलित युवाओं ने। दलित होते हैं जो दबे कुचले लोग होते हैं समाज में, उनके द्वारा किया गया था। देखो हुआ क्या था इसमें, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसमें आएगा 70 के दशक में। देखो 70 के शुरुआती सालों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। यानी 70 के दशक के शुरुआती सालों में क्या हुआ, शिक्षित यानी दलित जो लोग थे उनमें कुछ शिक्षित लोग थे, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। आज़ादी के बाद से मुख्यतः जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ ये आंदोलन चला। देखो हमारा देश आज़ाद हो गया लेकिन फिर भी जाति के आधार पर भेदभाव होते थे, तो इसके लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। संविधान में इस भेदभाव की मनाही थी लेकिन फिर भी भेदभाव होते हैं, यानी कि संविधान में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, लेकिन फिर भी कहता है कि इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, तो इसलिए इनका कहना था कि भाई जो छुआछूत की समस्या वो अब भी बनी हुई है, भेदभाव इनसे अभी भी जारी है, दलितों पर जुल्म भी किए जाते हैं, जबकि संविधान में इसकी मनाही थी लेकिन फिर भी कहता है कि इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। आगे कहता है कि दलित पैंथर्स की गतिविधियाँ, देखो क्या क्या थी दलित पैंथर्स की गतिविधियाँ। इनका जो महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों से लड़ना दलित पैंथर्स की मुख्य गतिविधि थी। यानी कि महाराष्ट्र के कुछ इलाके थे जिन पर जो दलित लोग थे उन पर अत्याचार बढ़ रहे थे, ठीक है, तो उनसे लड़ना, उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना इसका मुख्य कार्य था, मुख्य गतिविधि थी। इन संगठनों ने अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाए। सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। अब सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया, उस कानून में देखो क्या कहा, इस कानून के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। सरकार ने कहा कि भाई जो दलितों पर अत्याचार करेगा उनके लिए भाई कठोर दंड दिया जाएगा उनको। इनका मुख्य एजेंडा, मुख्य कार्यक्रम जाति प्रथा को समाप्त करना था। मतलब जो कार्यक्रम कानून बनाया गया था उसका मुख्य कार्य था जो जाति के आधार पर भेदभाव होते हैं उसको समाप्त करना, और गरीब किसान मजदूर दलित और जो वंचित वर्ग हैं उनका एक संगठन बनाना था। उसके बाद थोड़ी सी मैं बात कहता कि दलित पैंथर्स जो संगठन था ये टूट गया, समाप्त हो गया, और इसकी जगह ले ली बामसेफ ने। बामसेफ की फुल फॉर्म होती है, मैं देखो इसमें बामसेफ यानी कि
देखो बैकवर्ड एंड मॉनेटरी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है, यानी ये आएगा BAMCEF, ठीक है, बैकवर्ड एंड मॉनेटरी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है, ये होता है BAMCEF, इसके फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय किसान यूनियन, यानी BKU। देखो जनवरी 1988 में मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। अब ये मेरठ में 1988 में 20,000 जो किसान जमा हुए किस लिए हुए थे, देखो ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध किए कर रहे थे, यानी कि सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी, तो इसलिए इन किसानों ने विरोध कर दिया। किसानों ने जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रखा। इन किसानों ने क्या किया, 3 हफ्तों तक डेरा डाले रखे, नहीं 21 दिनों तक इन्होंने डेरा डाला। बाद में इनकी मांगे मान ली गई, यानी किसानों ने जो डेरा डाला इनकी जो मांगे थी वो सरकार ने मान ली। ये किसानों का अनुशासित धरना था, मतलब किसानों ने कुछ हिंसा वगैरह नहीं की बल्कि बहुत अनुशासित तरीके से ये धरना दिया था। आसपास के गांवों से इन्हें राशन पानी मिलता रहे, यानी आसपास के लोग थे भाई, जो गांव के लोग थे उनको राशन पानी की व्यवस्था की उन्होंने। ये किसानों की शक्ति का बड़ा प्रदर्शन था, क्योंकि इतनी बड़ी लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए थे, तो ये किसानों की शक्ति का बड़ा प्रदर्शन था। BKU जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का संगठन था। आगे कहते हैं भारतीय किसान यूनियन की मांगे। अब इनकी मांगे क्या थी, इनकी इनका देखो क्या कहना था किसानों का, कि गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की मांग, कि सरकार जो गेहूं और गन्ने की जो खरीदती है तो इसमें बढ़ोतरी की जाए। कृषि उत्पादन उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाओ, कि भी जो कृषि उत्पाद है वे एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज आने जाने पर जो पाबंदी लगी है उनको हटा दो। सस्ते दरों पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति, यानी कि जो गांव में जो लाइट वगैरह बिजली वगैरह दी जाती है तो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो भाई ये फिक्स करो कि भाई कितने घंटे दी जाएगी, ठीक है, तो ये गारंटी शुदा गारंटी दो कि भाई कितने टाइम तक कितनी बिजली दी जाएगी और सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाओ। किसानों का बकाया कर्ज माफ़ करने की मांग, किसानों का जो बकाया कर्ज है वो माफ़ करो, और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान। देखो किसान है वो भी लोगों के लिए अनाज वगैरह उगाते हैं, लेकिन बाद में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि उनको पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए, तो उसका प्रावधान करो। ऐसी मांगे देश में और भी किसान संगठनों द्वारा उठाई गई, जैसे महाराष्ट्र में एक सेतकारी संगठन था उसके द्वारा और कर्नाटक में रैत संगठन के द्वारा। उसके बाद कहता है भारतीय किसान आंदोलन की विशेषता। अब इसकी विशेषता क्या थी, देखो BKU ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अब इनकी मांगों को सरकार ने मान लिया था, कैसे मान लिया था, देखो इन्होंने क्या किया, रैली की, धरने वगैरह दिया, प्रदर्शन किया, जेल भरो आंदोलन, इन सब का सहारा लिया था। इसमें लाखों किसानों ने भाग लिया, बाद में इसमें और किसान शामिल हो गए थे, ठीक है, तो इसमें लाखों किसान उन्होंने भाग लिया। इन्होंने 80 के दशक में राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर विशाल रैलियाँ आयोजित की। इनकी असली शक्ति इनकी संख्या बल थी, कहता है कि जो किसान जो BKU था इसकी असली ताकत जो थी वो इसकी संख्या थी, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा संख्या में किसान थे, ठीक है, तो इसकी ये ताकत थी। इसने अपने सदस्यों को जोड़ कर रखा। 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक BKU ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा, यानी कि 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक BKU ने क्या किया, इसने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने में शामिल नहीं किया, क्योंकि इनको पता था राजनीतिक पार्टी होती है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। नेक्स्ट है ताड़ी विरोधी आंदोलन। देखो ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था, ये शुरुआत था आंध्र प्रदेश में और ये महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। क्यों चलाया गया था, देखो मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग, यानी कि जो शराब है उसकी बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की थी इन्होंने। आंदोलन सरकार और माफिया दोनों के खिलाफ चलाया गया था, जो सरकार थी वो और जो माफिया जो ताड़ी वगैरह जो देसी शराब होती है, ठीक है, जो गैर कानूनी तरीके से इसको बनाते थे और उसको पीते थे, तो इनके खिलाफ चलाया गया था। इसकी शुरुआत देखो कैसे हुई थी, इसकी शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक गांव दुबरगंटा से, ठीक है, यानी ताड़ी विरोधी जो आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले, वहां पर एक गांव है दुबरगंटा, वहां पर हुई थी। यहां महिलाओं ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया, यानी कि महिलाओं को पढ़ाने लिखाने का कार्यक्रम चला। कक्षा में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब यानी ताड़ी पीने की शिकायतें करती, तो कक्षा में महिलाएं क्या करती वहाँ पर पढ़ने जाती, तो भाई वो उनके घर में जो पुरुष है तो वो शराब वगैरह पीते थे, तो उसकी शिकायतें करती। वो ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी, पुरुष शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे, यानी कि वो सारा दिन शराब के नशे में डूबे रहते, तो इनसे उनका शरीर जो कमज़ोर हो रहा था।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी, क्योंकि लोग जो थे काम पे जाते नहीं थे, तो इससे उनकी भी अर्थव्यवस्था थी वो ख़राब हो गई थी। शराबखोरी से कर्ज का बोझ बढ़ गया, अब लोग नशे में डूबे रहते, काम पर जाते नहीं, तो इससे कर्ज बढ़ गया उनसे। हिंसा बढ़ी से पुरुष काम से अपने काम से गैर हाजिर रहने लगे। महिलाओं को इसमें सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अब महिलाओं को समस्या हो रही थी इनसे। फिर क्या हुआ, नेलोर की महिलाओं ने क्या किया, ताड़ी के खिलाफ आगे आई, ठीक है, ये जो देशी शराब थी इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, ये आगे आई। 5,000 गाँव की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो सबसे पहले जैसे एक गांव में, फिर दूसरे गांव की महिलाओं को पता लगा, तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे करके 5,000 गाँव की महिलाएं इसमें शामिल हो गई इस आंदोलन में। इस आंदोलन की कड़ियाँ देखो क्या थी, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। यानी कि ये नाम याद रखना, ये पेपर में आपके एक नंबर में आ सकता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था, कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व प्राप्त होता था, इसलिए वह इस पर पाबंदी नहीं लगा रही थी। यानी कि महिलाओं ने कहा कि भाई ताड़ी है इसको बंद करो, लेकिन राज्य सरकार है, इससे उनको काफ़ी राजस्व यानी कर टैक्स वगैरह प्राप्त होता था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती थी। महिलाओं ने अब घरेलू हिंसा के मुद्दे पर खुलकर चर्चा करना शुरू कर दिया, यानी कि घर में उन पर जो हिंसा होती थी, जो मारकाट करते थे पुरुष, तो इसके खिलाफ मतलब उन्होंने खुलकर चर्चा करनी शुरू कर दी। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, तो इन सब मामलों पर उन्होंने चर्चा करनी शुरू की। इस तरह क्या हुआ, महिलाओं में जागरूकता आई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद एक है, इसमें भी महिलाओं ने शराब माफिया को हराया। देखो क्या हुआ था, ये आपके उसमें बुक में देखना, हेडिंग में है, एक चित्तूर जिले के कलिनारी मंडल स्थित गुंडलूर गांव की महिलाएं अपने गांव में ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई। यानी चित्तूर जिले के गांव है वहाँ पे गुंडलूर, वहाँ की महिलाओं ने क्या किया, ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए वो एक इकट्ठी हो गई। उन्होंने क्या किया, अपनी बात को वहाँ पर जो ताड़ी जो बेचते हैं उन तक अपनी बात पहुँचाई। फिर क्या हुआ, गांव में जो ताड़ी लाने वाली जो जीप थी, इनको वो आई तो उनको महिलाओं ने वापस भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ठेकेदार ने क्या किया, उनके साथ गुंडों का एक दल भेज दिया उस जीप के साथ, तो फिर भी महिलाएं क्या हुई, वो डरी नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद ठेकेदार ने पुलिस भेजी, लेकिन पुलिस भी पीछे हट गई। फिर एक सप्ताह बाद ठेकेदार के गुंडों ने सरियों और घातक हथियारों से हमला कर दिया महिलाओं के ऊपर। तो इसके बाद भी महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही, ठीक है, वो पीछे नहीं हटी। तो लास्ट में ठेकेदार और उसके गुंडों को हार माननी पड़ी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।